पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद शहर विधायक नितेश गुप्ता ने जलकल विभाग अधिकारियों पर ठेकेदारों से सांठ गांठ कर विभाग को लाखों का नुकसान पहुंचाने की बात मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कही है। पत्र में विधायक नितेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि नगर निगम के इस विभाग में टेंडर के नाम पर खानापूर्ति हो रही है, नहीं टेंडर किए गए और बिना टेंडर के भुगतान कर दिए गए। इससे जहां विभाग को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा, विधायक ने सीएम से दोनों विभागों के टेंडरों की जांच कर कार्रवाई की बात की है। जलकल विभाग नगर निगम में 2018 को नगर निगम के विभिन्न वार्डों में जल आपूर्ति को ई टेंडरिंग की गई। आरोप है अफसरों ने ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके बिना काम कराए ही भुगतान करा लिया। इसके अलावा 2019 और 20 में 16 करोड़ रुपए के कामकाज जलकल विभाग ने बिना टेंडर अपनाते हुए कोटेशन बेस पर ही भुगतान करा लिए। अफसरों की मेहरबानी से एक कार्य को फर्जी तरीके से नाम बदल कर अन्य मदों में पूरा दिखाकर 2 से 3 बार भुगतान भी कर दिया गया। शहर विधायक ने कहा कि मैंने जलकल नगर निगम में चल रही घपले की शिकायत मुख्यमंत्री के साथ नगर विकास मंत्री और मंडलायुक्त से की है। तो वहीं महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि जलकल में 3 साल पहले शिकायत पर जांच की गई थी, तब मामले का पटाक्षेप हो गया था, पर अब प्रकरण दोबारा उठने पर मामले की विभागीय स्तर पर जांच के लिए कहा जाएगा। मुरादाबाद नगर निगम में जलकल विभाग के द्वारा 19-20 में कुछ टेंडर निकाले गए थे। कुछ पार्षदों ने कल मेरे को आके इसकी शिकायत करी कि उनके वार्ड में काम नहीं हुए हैं, जो काम नहीं हुए हैं उनका भुगतान भी नगर निगम के द्वारा कर दिया गया है। तो उसी की जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, नगर विकास मंत्री जी को और माननीय कमिश्नर साहब को मैंने लिखा है। उसकी जांच कमिश्नर साहब के स्तर पे कराई जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कितना घोटाला मान के चल रहे हैं? कितना? अब ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा। 2 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व सदन की बैठक में ये मुद्दा उठा था और तब हमने इसके जांच के आदेश दिए थे सदन के द्वारा। और सदन के आदेश के बाद नगर आयुक्त महोदय ने अपने स्तर से एक जांच कमेटी बैठाकर जांच कराई थी। अब अगर उस जांच की रिपोर्ट अभी तक स्पष्ट तौर पर सदन में प्रस्तुत नहीं की गई है, अब वो सदन में प्रस्तुत की गई हो तब इसके बाद कुछ कहा जा सकता है। और माननीय विधायक जी ने जो आज शिकायत की है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनका अधिकार है। और मंडलायुक्त महोदय इसकी जांच करें, और भी कई मामले ऐसे हैं जिनकी जांच होना प्रस्तावित है। सदन में ये मुद्दे कई बार उठ चुके हैं। घोटाला सामने आया है? अभी घोटाला नहीं कह सकते इसको बिल्कुल भी। जो अनियमितता यदि कोई हुई है तो उसमें दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।